मतलब तू गिरी अब आज से तू कभी केटीएम नहीं चलाएगी। अरे बैठ बाइक पे बैठ। ए इधर हाथ रखो इधर टड्डी हाथ। केटीएम क्यों लाई जेड 900 तो मैं वो चला लेती। ये नहीं चलानी नहीं चलानी नहीं चलानी एक आखिरी बार। नो सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे बैक साइड में ढेर सारी बाइक्स जो है वो खड़ी है। यहाँ पे आपको KTM RS 200 बैटमैन और जो अपना मेन बाइक है गाइस वो तो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसमें गाइस यहाँ पे मुर्गा जो है वो बार बार आवाजें लगा रहा है ताकि हम उठ जाए। मतलब सुबह से ये चलाया जा रहा है, मतलब थोड़ी सी नींद भी पड़ती है ना तो ये मुर्गा हमें उठा देता है। काफी टाइम से मैं गाइस आयरा के पास नहीं गया हूँ, एक्चुअली वो मेरे घर पे ही थी। अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले उसे छोड़ा था और अपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे गाइस। वो जो बाइक से गिरी थी उसे लगी वगैरह थी बट फाइनली अब वो रिकवर हो चुकी है। तो मेरे 2 व्लॉग थे वो मैंने कार पे बनाए थे इसी कारण बिकॉज वो बाइक पे चल नहीं पा रही थी। एंड फाइनली आज गाइस मैं आयरा के पास जा रहा हूँ वापस। आज हम एक राइड पे जाएंगे मैं और आयरा और आज जो है गाइस मैं लेके जाने वाला हूँ KTM। आप मेरे बैक साइड में देख पा रहे होंगे KTM RC 200। अभी वो भी एकदम से ना परेशान हो जाएगी कि उसने सोचा था कि RS लेके आएगा या फिर Z900 बट हम जो है गाइस KTM लेके आएंगे। सो गाइस अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किया, मतलब कुछ खाया पिया नहीं है। अभी आयरा को लाएंगे देन कुछ खाने के लिए भी लेके आएंगे और उसके बाद मैं और आयरा ना प्लान कर रहे कि एक जगह पे जाए खाने के लिए जहाँ पे कि बेस्ट सबसे बेस्ट मिलता है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो ओपन होना चाहिए इस टाइम पे और ये मुर्गा देख रहे हो अभी तक चला रहा है भाई लोग, मतलब ये सुबह से चला रहा है। अभी आ चुके हम KTM पे और यहाँ पे हमारे साथ आप देख रहे हो कितनी प्यारी गाय है। काफी टाइम से मैंने भी KTM की अच्छे से राइड नहीं की थी, खासकर 200 की। 390 तो ठीक है भाई लोग बट 200 की ना मैंने काफी टाइम से राइड नहीं की थी और मैं सोच रहा था कि इसे राइड पे लेके जाऊँ। आज मेरे को मौका मिला बिकॉज आयरा 200 से गिरी थी तो मैंने सोचा क्यों ना KTM RC 200 ही लेके जाए। ऐसा ना उस लड़की में ना थोड़ा डर सा आ गया बाइक को लेके, मतलब आगे पहले तो हमेशा वो मेरे को यही बोलते थे कि आमिर मेरे को बाइक दे चलाने के लिए बाइक दे चलाने के लिए, बट आजकल ऐसा सीन है ना तो वो बोलेगी नहीं, जब तक उसको मैं बोलूंगा ना मैं बोलता हूँ तो फिर भी मना कर देती है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मतलब के अंदर का डर है कि इतने आराम से गिरने से इतनी लगती है, तो वो चीज मैं थोड़ा निकालना चाहता हूँ। बिकॉज देखो ऐसा ना एक राइडर इंसान तभी बनेगा तब उसका डर जो है गाइस वो खत्म होगा। देखना गिरना उठना तो वो सबके नसीब में लिखा ही होता है, जिसको गिरना है वो गिरेगा और जिसको उठना है वो उठेगा। एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि KTM RC 200 का जो पिकअप है ना RS 200 से बहुत ज्यादा है। तुम कितनी भी ड्रैग रेस लगवा लो कुछ भी कर लो बट KTM जो है वो स्टार्टिंग में आगे निकल ही जाएगा। एंड गाइस इसका फील ही थोड़ा अलग है, काफी ऊंचा और झुका हुआ बाइक है, 40 लुक देता है बंदे को। बाइक में पेट्रोल भी कम है ब्रो, हमें पेट्रोल भी डलाना दिख रहा है ना, 110 में चल रहे हैं हमें पता ही नहीं और ये नॉन ABS बाइक है तो थोड़ा संभल कर ही चलना पड़ेगा। अभी तो चलो अभी तो ठीक है चला लूंगा बट आगे ना मेरे को थोड़ा संभल कर चलना है। मॉर्निंग में ना ऐसा फील होने लग गया कि भाई लोग सर्दी आ चुकी है बट ऐसा सीन ही नहीं है। जैसे ही 10 बजेंगे ना भाई लोग टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज होगा और उसके बाद मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि क्या हाल होता है यहाँ पे। इतनी गर्मी होती है कि प्यार नहीं कर पाऊंगा, ऐसा होगा ना कि मतलब गरम गरम हवा तुम्हारे चारों तरफ, वो चीज फील होती है खतरनाक। अभी हम गुज्जर नगर की तरफ बढ़ रहे हैं भाई लोग, एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। टाइम पे ना बहुत सारे लोग जो है गुज्जर नगर वाली साइड वॉक करते हैं, पता है तुम्हें फ्रेश एयर है सामने, तुम्हें बाहु फोर्ट दिख जाएगा और क्या चाहिए भाई जीने को। बैक साइड का सीन देखोगे ना तो यहाँ सामने से सूरज चढ़ता है और बैक साइड में तुम्हें रिवर दिखेगी। इस रिवर का पानी जो है मैला, इसका मतलब कि बैक साइड में ना बहुत ज्यादा बारिश हो रहा होगा, इसी कारण यहाँ का जो पानी है गाइस वो आपको मैला दिखेगा। तो जब आप इस साइड देखते हो तो यहाँ सामने से जो है सूरज निकलता है और हमारे सामने जो है गाइस भाऊ फोर्ट है। तो भी ट्रैवलर वगैरह रहते हैं जिनका ना पीला नंबर प्लेट लगता है, वो सारे यहीं पे लाइन में गाड़ी लगाते हैं और यहीं सो जाते हैं और इस टाइम पे मतलब मस्त है यार, मतलब मेरे को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद है। अपना जम्मू बहुत खूबसूरत है, बैक साइड देखो तुम क्या व्यू आ रहा है ना एकदम। गाड़ियां वाड़ियां बहुत कम चलती है इस टाइम पे देखो। अभी ज्यादा लेट हो गया यार, अभी मॉर्निंग में इतने सारे बंदे मेरे को दिखते हैं ना वॉक करते हुए तो बहुत सही लगता है। अभी मुझे इसमें तेल वगैरह डलाना था बट मुझे समझ नहीं आ रहा डलाऊं कहां पे भाई, बस ऐसा है ना इसमें पेट्रोल है ही नहीं और कहीं पे भी पेट्रोल खत्म हो गया तो अपने लग जाएंगे भाई। अरे बाप रे यहाँ पे तुम्हें ट्रैफिक दिखेगा ना, हाँ यहाँ पे तुम्हें ट्रैफिक दिखेगा भाई लोग। अभी ना मेरे को इस बाइक में बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है, मतलब सीट को लेके नहीं मतलब ब्रेक्स को लेके। एक्चुअली ना मेरे को ना आदत हो गया मतलब हार्ड प्रेस करने का, तो ये नॉन ABS से ज्यादा हार्ड प्रेस किया ना तो उड़ के ऑटो के ऊपर जाके गिरूंगा, इसीलिए ना मैं थोड़ा नॉर्मल होके चला रहा हूँ इसे। RC 200 तो अपने टांगों के नीचे से खिसक रहा है भाई, वो बाइक ना उस टाइम पे तुम हल्का सा ब्रेक भी अप्लाई नहीं कर सकते। इनके पास नॉन ABS बाइक रहता होगा उनको तो पता ही होगा, जो स्टार्टिंग के बाइक आते थे ना वो नॉन ABS ही रहते थे, मतलब उनका पावर वगैरह बहुत कम रहता था और मतलब ना जितना उनमें ब्रेक था वो बहुत सही था। जो मशीन बहुत ज्यादा पावरफुल है गाइस समझ रहे हो। अभी पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप, अपने को पेट्रोल डलाना है एक नंबर। लेट्स सी कि मैं अपने कार्ड वगैरह लाया हूं या नहीं लाया हूं। अभी अपनी बाइक में पेट्रोल आ रहा है 2 लीटर, तेल बहुत महंगा हो रखा है 100 रुपए लीटर। 200 का जो माइलेज वगैरह ना एकदम मस्त रहता है, तो आप आराम से घूम फिर सकते हो, पूरा सिटी राइड कर सकते हो जितना थ्रॉटल पे तुम जोर डालोगे। नॉर्मल चलाते हो ना तो सब सही रहेगा बट अगर तुम बहुत ज्यादा हाई एंड पे खींच रहे हो ना भाई ये कर रहे हो
तो तेल सारा उड़ जाएगा। ये है जिनको माइलेज चाहिए ना, वो तुम्हें ना छठा गियर डालो ऐसे करके, ये देखो छठा गियर डालो माइलेज लेना और मजे से ऐसा चलता जाओ। तो एक लीटर तेल भी है ना बहुत चलेगा, मतलब आराम से तुम्हें अगर इस बाइक का ले लो ना 35 से लेकर 40 के बीच का माइलेज मिलेगा अगर तुम सही सही चलाते हो तो। भी ऐसा भाई रोड मत ऐसे क्रॉस करो, रुकेगी नहीं मुझसे। अभी नया नया ड्राइवर हूँ मैं, 200 रुपये में इसका बहुत तेल आता है बे। टैंकी बहुत छोटी है ना इसकी, मतलब 700-800 रुपये में तुम KTM को फुल कर सकते हो। और 200 और 390 का ना सेम टैंक है, मतलब तुम्हारी तो मौज है भाई। बट ये उतरता भी बहुत जल्दी है, ज्यादा खुश मत हो। अभी ये जो ऊपर वाले दोस्त है ना, ये घर जाते जाते तक उतर जाएंगे, लास्ट में बच जाएगा ई, मतलब एंड। अभी कल जन्माष्टमी गई तो बहुत सही लगा, मतलब कल हमने बाइक वगैरह का काम कराया था, उसके बाद हमने बहुत एंजॉय किया, उसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स गए। आई थिंक ये मेरा ना आखिरी व्लॉग है, अगस्त मंथ का लास्ट व्लॉग, लास्ट मीन लास्ट, ओके। आई 31st है, कल से जो है गाइस नया मंथ स्टार्ट हो रहा है और आई थिंक नया मंथ जो है नया मौसम लेके आए। मेरी तो यही दुआ है भाई लोग, मतलब सब ना मस्त रहे, स्प्रिंग सीजन जैसा रहे, आराम से मतलब हम अपना व्लॉग वगैरह कर पाए। तो भाई लोग अभी हम पहुंच चुके हैं आयरा के पास, एंड आई थिंक आयरा जो है हमारा वेट कर रही थी और बहुत गुस्से में लग रही है। मैडम की हाल चाल? मैडम जी कैसे हो? जख्म बताओ कहाँ कहाँ लगी थी? अब देखना, वाह वाह वाह, हाँ जैसे मैंने बोला ड्रामे स्टार्ट हो गए तेरे, बताना बाजो क्या बात है, हील हो गए सारे, देखो देख रहे हो जख्म वगैरह, अब तो ठीक हो गया भाई, अब तो ड्रामे ना कर यार। अरे साफ आते मेरे यार, डेटॉल से हाथ धोता हूं मैं, बैग पकड़ चुपचाप करके, देखो कितना वेट कराते, फिर बोलते लेट हो गए, अब ड्रामे नहीं कर ऐसे चलने। अरे हो गए ठीक यार, 3 महीने हो गए, अब तो तेरे से बड़े अच्छे से बैठे गया भाई। और देखना टांगे, देखो भाई ये देखो, देख रहे हो तुम, आयरा इस बार गिरेंगे ना, इस बार दोनों को लगेगी, कस के पकड़ भाई, थोड़ा और कस के। 7:30 होने वाले आई थिंक। अभी ये नोटंकी बाज जो ना मेरे पीछे बैठी हुई है, इसका ना मतलब बाजू वगैरह भी ठीक हो गई है और टांग वगैरह भी ठीक हो गई है। मैंने इसकी मम्मा को कॉल करके बोला था, सब ठीक था, जैसे मैंने बोला ना दर्द है क्या, ओ मेरे को दर्द हो रही है टांग में। पहले आयरा ने स्विमिंग पूल लिया था तो उसके बाद मैंने इसको पंप ढूंढ के दिया था, तो अब ये पूरे दिन एक ही काम करती है, रस्टी को अपनी मछलियां वगैरह से 2-3 पाल के रखी है तो उनको उसमें डालती है और खुद मछली की तरह ऐसे करती है, क्वैक। मछलियां तो ऐसे ऐसे करके तैरती है ना, ये ऐसे ऐसे करके तैरती है उसके बीच में। और पानी पता है उसमें कितना होता है, 1 मीटर रख लो, मतलब पानी उसमें 10 सेंटीमीटर होगा और ये अपनी मुंडी डाल के सोच रही होगी मैं समंदर में हूँ। आयरन ने अपने स्विमिंग पूल में पूरा एक्वेरियम खोल के रखा हुआ है, हर एक तरह का जीव तुम्हें उस स्विमिंग पूल में मिल जाएगा, और सबसे बड़ा जीव तो ये खुद ही है भाई, इससे बड़ा जीव और कौन सा जीव हो सकता है। बहन की बेटी है उसे भी उसमें डुबा देती है। अभी मैं और आयरन डिसाइड कर रहे हैं कि हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, तो आयरा क्या प्लान है? मुझे लग रहा है ना वही छोले भटूरे से ही है यार। मैंने और आयरा ने प्लान कर लिया छोले भटूरे खाने का, मतलब मैं और ये सिर्फ छोले भटूरे खाएंगे, मतलब बहुत सही सीन यार, मतलब एकदम मजा आएगा। अभी डिसाइड हो चुका है हम जाएंगे, अभी हम ना मतलब मॉर्निंग में मैं जितनी बार भी आता हूं तो वहीं जाता हूं, मतलब सही बनाता है वो बंदा यार, तुम्हें 5 बजे कौन देगा भाई छोले भटूरे यार, हमारे जम्मू में कहीं नहीं मिलते, बट वहां पे तुम्हें खाने को मिल जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज में भी शायद बारिश पड़े, नॉट श्योर, लेट्स से कि अगर पड़ती है गुड, नहीं पड़ती है तो भी गुड ब्रो। अभी हम पहुंच चुके हैं भाई लोग सीधा यहाँ पे छोले भटूरे खाने के लिए। अभी छोले भटूरे खाने के बाद मैं और आयरा आ चुके हैं बाहर, एंड मैडम को देखो इस टाइम पे, मैडम ने मतलब एक ही पूरी खाई और मैंने भी एक ही खाई, 60 रुपीज प्लेट है, बट बहुत सही बनाता है बंदा यार। अभी मैंने और आयरा ने प्लान किया कि हम जा रहे हैं सिद्रा, देखो अभी मतलब प्लान था सीधा घर का, बट अचानक से मतलब मेरे ही मन में बना कि यार चलो ना इस टाइम इतना अच्छा मौसम है, गुजर नगर के बीच से जाना है, अदरवाइज ना अगर बावे वाली साइड से जाना था तो वो थोड़ा लंबा पड़ जाता, बट ये सही है ब्रो, एकदम सही रहेगा और न्यू रहेगा, देखते हैं रास्ते क्या सीन रहता है। यहाँ पे तुम गाइस इस तरह का कोई सीन देख रहे होगे, मतलब देख रहे हो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और हमारा जम्मू सच में सुंदर है यार। बहुत तगड़ा सफर रहा, मतलब मौसम सही हो ना तो भाई बहुत मजा आता है यार, सच बताऊं। अभी मैडम की आंख में कुछ चले गया, अरे चलाओ यार तुम तो, अरे आओ, अरे अरे आज मैं खुद चलाने के लिए दे रहा हूँ, मतलब तू गिरी अब आज से तू कभी KTM नहीं चलाएगी, बैठ बाइक पे बैठ, बाइक मैंने थप्पड़ इधर हाथ रखो, इधर टड्डी हाथ, ये नहीं चलानी, नहीं चलानी, नहीं चलानी, एक आखिरी बार नो, यस बोल, यस यस बोल, यस थप्पड़ मुंह पे, होंठ पे थप्पड़, पीपल हिल रहा है ना, ये पता क्या कर रही है ऐसे से, फिर से बोला क्या हो रहा है, क्या है ये झूला। अभी पहली बार ऐसा हुआ कि आयरा बाइक नहीं चला रही और मुझे लगता है कि तू बाइक चलाएगी नहीं ना अब से, यही होता है जब इंसान एक बार गिरता है ना उसके बाद वो कहेगा नहीं 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 भाई मुझे नहीं चलाना, कहा चलो छोड़ो KTM को अभी लेके चलते हैं ड्रैगन को बाहर, खतरनाक ब्रो एक नंबर, बैठ जान
अभी मैं और आयरा पहुंच चुके हैं मेरे घर पे और इसके ड्रामे अभी तक खत्म नहीं हो रहे भाई साहब। मैं तुम्हें क्या बताऊं, अभी ना जान बूझ के लगी है मुझे और अब मैंने इसको जाने देना नहीं है। सिंपल सी बात है, आने वाले कुछ व्लॉग में गाइस मैं और चूजा जो है प्लान करेंगे कहीं दूर जाने का और तब मेरे और चूजे का एक मतलब एक सीरीज टाइप व्लॉग आएगा। आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बाकी कमेंट करके बताना क्या इसने सही किया बाइक नहीं चला के या फिर इसे बाइक चलानी चाहिए, मुझे बताना। लाइक कमेंट शेयर करना, वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, बट मुझे ना रिस्पॉन्स चाहिए। तो मिलते हैं गाइस अगले एक मस्त से वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, काटो मत यार, तब तक के लिए बाय बोलो, बाय 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 बाय। कितनी कितनी बाय गाइस।